इस वाली वीडियो में हमारा एजेंडा क्या होगा? हाय बाय। नहीं, गेट खुला नहीं है। तो ये देखो, ये देखो, पास मेरा एक पेट्रोल पंप होता है। हम हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये जन्नत है बाइकर्स के लिए। हेलो गाइस, वेलकम, अरे वेलकम नहीं, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू द न्यू वीडियो। हाँ, इस वाली वीडियो में अरे दिखाया तो भाई कि मेरे बाइक में क्या क्या मिसिंग है। राइट वाला ग्रिप मिसिंग है, ये देखो लेफ्ट वाला ग्रिप ये रहा, और मेरी टेल लाइट मिसिंग है। लास्ट वाली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आपकी ना टेल लाइट चल नहीं रही है। भाई चल नहीं रही है, वो मिसिंग ही है, मैंने निकाल दिया है यहाँ से, ठीक है। और काउल भी लगाना है इसमें, और इसकी वॉश अभी बाकी है। तो इस वाली वीडियो में हमारा एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा ये होगा कि भाई बाइक में ना दो तीन काम करवाने हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम तो ये होगा कि बाइक की वॉश करवानी है। बाइक की वॉश माशाल्लाह इतनी प्यारी हो रखी ना, बाइक की वॉश नहीं बाइक की जो भी स्टेट है ना, क्लीन स्टेट नहीं है, बहुत ही गंदी हो रखी है मेरी बाइक। अरे गेट बंद है। हाय बाय। बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी। जिस तरह मेरा अभी रूम एकदम गंदा हो रखा ना, गंद मचा रखी मैंने रूम में, क्योंकि मेरे घर में अभी हुआ था वाइट वॉश। ये देखो सब है, फैला हुआ है सुगंध है ना, तो इसलिए पूरा सब कुछ बिखरा हुआ है। बाइक भी बिखरी हुई है, नहीं मतलब बाइक की सफाई बिखरी हुई है और मेरे रूम की भी सफाई बिखरी हुई है। अभी तेरी बाइक साफ रहती भी है। तो पहले बाइक को वॉश करवाना है एंड दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये। हाँ जी, नहीं गेट खुला नहीं है। आरएमएल के साइड से जाओगे आप। और हाँ, दूसरा इम्पोर्टेंट काम जो होगा बाइक में, वो होगा बाइक का आज वो काम करवाना जो कि आधी दुनिया, आधी जनता करवा के ख़त्म कर चुकी है, और मैं अब आया हूँ 3 साल के बाद कि भाई चलो करवा लेते हैं ये वाला काम। वो है मास्टर सिलेंडर चेंज करवाना बाइक का। यस, ये जो मेरा प्यारा सा गोप्रो का जंग खाता हुआ माउंट है ना, ये हट जाएगा बेचारा। ओके सो भाई, ये है जो आज लगाने वाले हैं इस मास्टर सिलेंडर से, क्योंकि ये ही चेंज होने वाला है मास्टर सिलेंडर। और मैं लगाऊंगा कौन सा, ब्रेम्बो या ब्रेम्बो की कॉपी, जैसे सब लोग लगाते हैं और बोलते हैं कि ओरिजिनल ब्रेम्बो की कॉपी है, ओरिजिनल ब्रेम्बो है। अब देखते हैं, या फिर कोई और कंपनी का देखते हैं। और इसके साथ साथ मुझे क्लच वाला काम भी कराना है। क्लच केबल मेरे बैग में है, जैसे कि आप लोगों ने देखा सिनेमैटिक्स में कि मैंने एक क्लच केबल रख ली थी बैग में, तो क्लच केबल भी मुझे चेंज करवानी है। और इन सब के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ हमारे चहीते करोलबाग। नहीं भैया, नहीं करोलबाग नहीं जा रहा इस बार। नई लोकेशन इस बार है, हमें जाना सागरपुर बिलाल भाई के पास, जो कि बहुत ही तगड़े वाले स्टंट राइडर हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ही नूब हूँ बाइक चलाने में ही, तो स्टंट तो क्या ही करूँगा मैं, है ना। और ये देखो दिन के, अभी दिन तो नहीं है, शाम हो रही है, शाम के 4 बज रहे हैं, और शाम के 4 बजे से अभी से जाम स्टार्ट हो चुका है। गलत बात है यार, बहुत ज़्यादा गलत बात है, ऐसा नहीं यार, करना पड़ेगा मुझे कुछ यहाँ पे, है ना। यहाँ के MLA वगैरह से बात करनी पड़ेगी। अरे यहाँ का तो यार केजरीवाल है केजरीवाल से कैसे बात करूँगा यहाँ पे। अरे भाई की सेम शर्ट मेरे जैसी, हे मेरा भाई मिल गया। निकलेगी यहाँ से, निकलेगी निकल जाएगी बाबा। और पता है मेरा बैग भी मेरे पास नहीं है, और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ना 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 ना, मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि बैग मेरे पास नहीं है, मेरा बैग मेरे दोस्त के पास है, मैं इसलिए भी दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ कि मेरा दोस्त जा रखा है ट्रिप में, समझ रहे हो, मैं इसलिए दुखी हूँ। और वो GT जा रखी हैं, वो फुल लीनिंग कर रहे हैं पहाड़ों में, और मैं यहाँ देखो ट्रैफिक से जूझ रहा हूँ बुझे। यहाँ से निकलता हूँ,
ये रोड सही है। रेड लाइट। अरे ब्रेक, स्पीड ब्रेकर। एक और चाहला, यहाँ से स्पीड ब्रेकर हटाने पड़ेंगे। रात को आऊँगा, सारे खोद दूंगा। देख रहे हो कितने पुलिस वाले खड़े हो रखे हैं। एक भाई साहब सामने जो हमको बोल रहे हैं आ जाओ। एक ये खड़े हैं भाई साहब, और एक भाई साहब ये रहे। भाई पहुंच रहा हूँ बस। अभी कहाँ? मैं अभी धोला कुआं क्रॉस कर दिया। कहाँ पे? अच्छा, तो अभी क्या करूँ बताओ। ठीक है, मैं राइट मुड़ के रुक जाऊंगा। हाँ ओके, ठीक है ओके। चलो भाई, जिनको लगानी है ना मास्टर सिलेंडर, जिन्होंने काम करना है मेरी बाइक में, वो खुद ही आ रहे हैं। अभी ITO में है और धोला कुआं मिलेंगे मेरे को। मैं धोला कुआं तो पहुँच गया हूँ, वेट करता हूँ उनका। पास मेरा एक पेट्रोल पंप होता, ये गाड़ी में अपने घर खड़ी करवाता हूँ। ये देखो स्वैग भाई का। चलो भाई, बिलाल भाई आ गए थे और मेरा कैमरा एंड मोमेंट में बंद हो गया। चलो कोई नहीं, वो गाड़ी वाले ने जोश जोश में ब्रेक मारे ही नहीं स्पीड ब्रेकर में। ये दिल्ली कैंट का एरिया है, तभी ये बहुत साफ है। पूरे दिल्ली में दो एरिया बहुत अच्छे होते हैं, एक है NDMC एरिया, ठीक है, न्यू दिल्ली वाला एरिया, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, और एक ये दिल्ली कैंट वाला एरिया। छोटी छोटी गलियां, नाला राइट में, और तेरी एक और छोटी गली। चलो भाई पहुंच गए हम चुटकी बजा के एकदम। ये है भाई की गैराज, आई गैस, हाँ, साहिल ऑटो स्क्वायर करके। ओके सो भाई, ये है जो आज लगाने वाले हैं। ये क्या है भाई? ये निसिन का है। निसिन का है ये मास्टर सिलेंडर का सेटअप, और इसमें एडजस्टेबल लीवर भी है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने हाथ के अकॉर्डिंग। आपका हाथ छोटा है तो छोटा कर दो, बड़ा है तो बड़ा कर दो, ये छोटा लंबा करते रहो अपने अकॉर्डिंग। और ये क्यों लगवा रहे हैं यार, इसको भी अभी आना था। हाँ तो भाई, ये क्यों लगवा रहे हैं? इससे ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और हमारे ही ग्रुप में ना दो तीन लोगों ने लगा रखा है, मतलब ब्रेक ऐसी आती है कि दो फिंगर से हम रोक आराम से रोक सकते हैं, सिंगल फिंगर से भी रोक सकते हैं। और अगर मेरे से कोई नूब हुआ तो स्टॉपिंग ही मार देगा। हाँ, बहुत ज़्यादा नूब हुआ है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन स्क्रीन। फिर सो खेलना तो खोलना स्टार्ट करते हैं, खेलना बोल रहा था मैं पहले। ये हमारा जो सिमटेक का हजार सिस्टम है, ये बाहर आएगा इसका स्विच। लो जी, दो मिनट में ये बाहर आ गया, बढ़िया। तो मेरा लीवर भी चेंज होगा और ये मास्टर सिलेंडर है, और इसमें दो वायर्स थी, बता देते हैं भाई क्या होती है व्यूवर्स को। ये वाली वायर किस लिए होती है? ब्रेक वायर। और एक और वायर थी ना ये वाली, ये ब्रेक पाइप, ये थी ब्रेक पाइप जिसमें फ्लूइड होता हमारा पूरा ना। देखो भाई, ये थी, ये ब्रेडेड वायर, ये फ्लूइड वाली है और ये ब्रेक वाली है। और ये रहा मेरा सेटअप। अब ये लगाने वाले हैं भाई इसमें हम, ये वाला आयरन की वाला बोल्ट है। हाँ जी,
और ये इसके कुछ माउंट्स हैं जो कि हमारे मिरर यहाँ लगता है उसमें भी लगा रहे हैं, है ना, मिरर भी आता है, मिरर वाला बंद कर दिया है। तो भाई ये देखो मेरा मिरर तो फिर से ये वाले हैं, है ना, बार एंड मिरर्स, तो इसी में ही, इसी कनेक्शन में ही लग गया हमारा, जैसे वही होता है ना मिरर्स वाला। तो जिसका मिरर है वो थोड़ा सोच लेना, है ना, है ना, उसका अच्छा, उसका मेरे ऊपर लग जाएगा ना मिरर का अमाउंट भी है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, उस वाले में लगा रखा, चलो उसको देख लेते हैं। मिरर वाला जो मिरर के साथ ये देखो यहाँ लग जाएगा जी मिरर। जो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड भरना है ना वो ये वाला हम डाल रहे हैं, इसमें बॉश का है .4। ये देखो भाई, देखो भाई हम कहाँ पर हैं, हम हैं फर्स्ट फ्लोर में, ये जन्नत है बाइकर्स के लिए। फिलहाल तो ये भाई के जन्नत है, यहाँ पे भाई ने देखो कितनी सारी बाइक्स रखी हुई हैं। ये वाली बाइक जो है ना, ये वाली जो ऑफ रोडिंग वाली लग रही है, ये R15 है, वो देखो है ना बढ़िया। ये देखो एक्सपल्स भी पड़ी हुई है, और इम्पल्स एक्सपल्स बोल रहा हूँ, दो एक ऑरेंज है और अच्छा वाली ब्लैक, वो YZ250 YZ250 है वो भाई साहब गजब। और ऊपर हम कुछ देखने आए थे, हमको मिला क्या भाई? आपको नहीं मिला सकता है, लगता है हमको नहीं मिला। अरे बढ़िया है, बढ़िया है, लो भाई 10 मिनट में काम खलास। अभी बिलाल भाई जाएंगे ट्रायल राइड के लिए, अब इसकी बारी, हमारी क्लच केबल के बारी, जो मैं नई केबल लेके आ रखूँ ये वाली, ये लगाएंगे क्योंकि इसी क्लच में हमने लद्दाख भी कर लिया, सच पास कर लिया, दो तीन ट्रिप हो गई हैं बड़ी बड़ी इसमें। चलो भाई लगे आज, हम सोच रहे हैं कि चेन भी इसकी थोड़ा टाइट करवा दी जाए, काफ़ी लूज़ हो रखी थी, है ना। हमारा काम हो गया है, हमारी क्लच केबल सही हो गई है, अरे बच्चे रो रहे हैं, और हमारा जो ये है मास्टर सिलेंडर ये भी हो चुका है सही, और मैंने बिल की पेमेंट कर दी है, जो भी मैंने प्राइस दिया होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है। बाकी प्राइसिंग वगैरह के लिए भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना, भाई का नाम बिलाल है, भाई का स्टोर ये है गैराज साहिल ऑटो स्क्वायर करके, यहाँ पर सारी की सारी मोटिवेशन होती है। जैसे कि अभी देख रहे हो ये इनलाइन 4 की आवाज़ है, वो देखो वो इनलाइन 4 Z800 जा रही है सामने, तो भाई के पास सारी तरह की बाइक की मोटिवेशन होती हैं और सर्विसेज वगैरह भी होती हैं, ठीक है। अब मोटिवेशन अब क्या क्या होती है, भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, भाई को कॉन्टैक्ट कर लो, और फिलहाल चलते हैं हम घर, या फिर नर्डी राइडर से मिलने जा रहे हैं, हम देखते हैं कहाँ पे जाना है, तो निकलते हैं यहाँ से, बहुत देर होगी। ठीक है भाई, बाय। अरे भाई ब्रेक तो देख रहे हो क्या लग रही है, एकदम आगे की तरफ आ रहा हूँ, ऐसी ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये देखो। ओ भाई 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 भाई, एक्चुअली पहले रजत ने लगाए थे ये वाले ब्रेक्स, ठीक है, ये वाले मास्टर सिलेंडर्स, और उसको देख के ही मैंने लगाए, और मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, और अब मैंने अपनी बाइक में लगा लिए हैं, तो मेरे को सही में और मज़ा आ रहा है। फिलहाल तो देखो एकदम रुक जा रही है यार, भाई पीछे वाला टायर खड़े होने को हो रहा है, और राइट, और साथ साथ मैंने चेन भी टाइट करवा दी है। देखो होता क्या है ना, जब भी मैं जाता हूँ ना किसी ऐसी शॉप में जहाँ पे बाइक का कुछ सही हो जाता है, तो मैं सारा काम करवा ही देता हूँ वहाँ पे, है ना। बाइक A1 रहनी चाहिए हमेशा, भले ही गंदी हो पर A1 कंडीशन में रहनी चाहिए हमेशा, तो इसलिए मैंने अभी चेन टाइट करवा दिया है, और कुछ एक दो चीज़ें और करवा दी हैं, जैसे क्लच भी करवा दिया मैंने, नया क्लच केबल में नई डलवा दी है, तो ये काम ना मैं करवाता रहता हूँ हमेशा, और करवाते रहना चाहिए हर किसी को, भले ही तुम बाइक गंदी रखो पर ये वाले काम ना मैकेनिकल वाले पार्ट्स हमेशा सही होने चाहिए।